Welcome back to Calisthenics India. I hope you all are well. So today we're going to do our LSAT. To achieve this, हमें different progressions करने पड़ेंगे. तो वो आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा और आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं डे बाय डे. तो आप इसको अचीव कर लेंगे. सो हमारा फर्स्ट प्रोग्रेशन है LSAT तक. इसमें आपको टक पोजीशन में रहना है और बार बार अपनी लेग्स को स्विच करना है. अभी आप इसको पूरा ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कि आप पूरा टक पोजीशन में आ जाए. तो आपको एक एक बार पैर नीचे लगाना है ताकि आपकी जो पोजीशन है, आपके जो कोर है, पूरा समझ आपको आ जाए कि कहाँ टारगेटेड मसल्स है आपकी. इसमें टारगेटेड मसल्स आपकी कोर होंगी एंड स्टार्टिंग में आपके थोड़े क्रैम्प्स आएंगे थाइस पे, तो वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़े टाइम में आपका कवर हो जाएगा. तो आप इसको परफॉर्म करिए. आपके जैसे क्रैम्प्स के लिए मैं अभी आपको एक दो एक्सरसाइज बताऊँगा, वो आप परफॉर्म करेंगे तो आपका क्रैम्प थोड़े कम हो जाएंगे. तो अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे. टू अवॉइड क्रैम्प्स अब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे. तो आप देखिए अब कैसे इसको परफॉर्म करना है. एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो अभी यूज टू नहीं है, तो आपको इनको यूज टू करना है. एंड आप इसकी डिफ़िकल्टी लेवल अपने हाथ को रख के इधर पीछे और आगे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. सो यू हैव टू डू लाइक दिस. सो जो इसका जो आपका थाई वाला पार्ट है वो यूज टू हो जाएगा थोड़ा और आपके क्रैम्प्स आने थोड़े कम हो जाएंगे. एंड आपकी जो थाईज है आपको चेस्ट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पास लेके आनी है. एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिफ़िकल्टी लेवल बाय कीपिंग हैंड लाइक दिस. जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है उसमें आपको जो अपने लेग्स हैं वो थोड़े डिक्रीमेंट पे रखने हैं. अभी आपको ऐसे नहीं करना, अभी आपको नीचे रखने हैं थोड़े. अगर आपको फिर भी ये थोड़ी हाइट कम लग रही है तो आप कोई और हाइट ले सकते हैं. जैसे आप बड़ा स्टूल ले सकते हैं, जैसे अगर पैरेलेट्स हैं, अगर आपको ये लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं. तो अगर ये आपके पास नहीं है और आप नहीं अभी लेना चाहते तो हम दूसरे जुगाड़ से हाथ कर सकते हैं. तो अभी आप देखिए मैं कैसे करूँगा. ऐसी हाइट का कोई ले सकते हैं, जैसे आप कोई स्टूल ले सकते हैं. तो इसमें भी आपको ऐसे नहीं करना, पैर नीचे रखते हैं अभी. फिर जैसे जैसे आप इस स्टेप से यूज टू होते जाएं, तब आपको एक पैर है वो ऊपर रखना है. जैसे आपका एक पैर नीचे हुआ, अब आपको एक ऊपर करना है, फिर ये नीचे, फिर दूसरा ऊपर. तो आपको ऐसे ऐसे करके परफॉर्म करना है. सो नाउ वी विल प्रोसीड ऑन आवर नेक्स्ट स्टेप. तो इसमें हमें अपना टक से फुल LSAT पे जाना है. तो मिनिमम आपको इसके 10-20 रेप्स निकालने हैं. सो आप इसको परफॉर्म करिए. तो इसके अंदर टारगेटेड मसल्स आपकी पूरी कोर रहेंगी और जो आपकी सेकेंडरी मसल्स हैं थाइस मान सकते हैं आप, तो थाइस में क्रैम्प आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बार बार उस चीज़ की टेंशन मत लेना. और जो मैंने आपको पहले वाली एक्सरसाइज बताई है उसे परफॉर्म करके आइए, तो आपको क्रैम्प्स बहुत कम होंगे. तो ये वाली एक्सरसाइज करके फिर आपको अपना नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे जाना है. तो वो है आपका ये. एंड देन आपको अब ये करना है, जो आपका वन लेग है वो टक में रहेगी और जो दूसरी लेग है वो आगे जाएगी. सो आपको ये वाली सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है. एंड हमारा लास्ट प्रोग्रेशन है अब स्ट्रैडल LSAT. तो इसमें जो आपको है पहले ऐसे पोजीशन में आना है और फिर आपको अपने पैर स्ट्रैडल कर देने हैं, मतलब आपको पैर अपने फैला देने हैं. तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी मतलब स्ट्रैडल पोजीशन होती है वो एक मतलब हर एक चीज़ अचीव करने के लिए उसका लास्ट स्टेप होता है. तो आप उसके बाद अपने सारे पोजीशन जो मेन आपका वो है गोल, वो अचीव कर सकते हैं. सो
सो जो हमारी मिस्टेक्स हैं जो भी बिगनर्स करते हैं, तो आपको जो अवॉइड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी हैंड प्लेसमेंट है वो आपके शोल्डर विड्थ पे रहेगी, आपको इधर ज़्यादा नहीं करना, इधर ज़्यादा करोगे तो आप उठ नहीं पाओगे, और ज़्यादा अंदर भी नहीं करना, अंदर भी करोगे तो भी नहीं उठ पाओगे। तो आपको अपने जो हिप्स है उसके साइड में ही आपको हैंड प्लेसमेंट रखनी है, और फिर आपको उठना है। तो ये वाली सारी एक्सरसाइजेज हैं। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज पसंद आई होंगी, और आप इसको करें, इसको जितना भी आप डे बाय डे जितना आप करेंगे, आपका जो स्ट्रेंथ है कोर की और जो आपका थाई है क्रैम्प्स, वो सारे डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप इसे परफॉर्म करिए। आई नो दैट दीज एक्सरसाइज लुक्स ईजी एंड फैसिनेटिंग, बट टू अचीव दिस यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड टू अचीव दिस यू हैव टू गेन सम बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपने जो मेरी एक्सरसाइज, अगर बेसिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं देखी, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप आई बटन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आपके जो आपको ये परफॉर्म करने के लिए आपके हाथों में बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो आप उन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करें, फिर आप इस पर आएँ, तो आपको ये वाला भी अचीव होगा। बट ये आई नो दैट ये मुश्किल है थोड़ा, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका जो प्रोग्रेशन है वो जल्दी बढ़ेगा। और कैलिस्थेनिक्स के लिए तो ये बहुत ही मेजर है, आप इस एल-सिट से एल-सिट टू हैंड स्टैंड जा सकते हैं, और इसके अंदर कई वेरिएशंस हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर परफॉर्म करिए, और जो आपका इससे कोर है, और आपको पता है कि कैलिस्थेनिक्स में आपका कोर तो कितना ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको करके अपना कोर पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप ये वाली सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। सो गुड बाय।